हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा प्रैक्टिकल है ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल छूट गए थे। तो आज सर ने सभी लोगों को दोपहर 1 बजे बुलाया स्कूल में, जबकि सुबह का स्कूल होता है। तो आज जाना है दोपहर को, तो उससे आगे मैं एक दफ़ा सारे सब्जेक्ट का वर्क देख लेता हूँ कम्प्लीट है कि नहीं, वरना प्रैक्टिकल में नंबर कम आ सकते हैं। तो देख लेता हूँ अभी और आपसे स्कूल के जाने का टाइम मिलता हूँ। चलिए पहले साइंस का देखते हैं। देखो आज पेंटिंग जो मैंने बनाई है सही है। चलो काम वर्क देखते हैं, पहले कितना हो चुका है। 9 चैप्टर और ऑफ्स यार, 9 चैप्टर के 4 क्वेश्चन हुए हैं, जबकि मेरे को और एक पन्ना करना है, तो थोड़ा सा रह गया है। और SST का देखते हैं। SST में तो आई थिंक कंप्लीट किया है, पीछे भी है। हाँ कंप्लीट है SST में, तो SST में कंप्लीट है। मैथ मैथ में 7.2.3, मैथ में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और संस्कृत इसमें तो कंप्लीट ही होगा, हाँ इसमें भी कंप्लीट है। और हिंदी हिंदी में आई थिंक कंप्लीट होगा, हिंदी में कंप्लीट है। लास्ट वन इंग्लिश, इंग्लिश के 2 किताबें, तो जो फर्स्ट वाला इसका नाम है द लॉर्ड चाइल्ड। चलो फिर सब में काम कंप्लीट है, बट बस मैथ और साइंस में थोड़ा सा रह गया वो। तो गाइस सारे सब्जेक्ट का काम अभी देख लिया है, बस साइंस और मैथ का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। वो मैं अभी या स्कूल में जाके कर लूँगा। अभी मैं मैथ का कर सकता हूँ या कल के लिए इंग्लिश का याद कर सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश का याद कर लूँगा। तो अभी मेरे को दोपहर को 1 बजे जाना है स्कूल, तो स्कूल जाने के टाइम से मिलता हूँ। और मेरी आंखें ऐसी दिख रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई अच्छे से, कल रात को लेट सोया था और सुबह जल्दी उठ गया था, तो आंखें ऐसी दिख रही है, ऐसे मतलब थोड़ी नमी नमी टाइप सी। तो स्कूल जाने के टाइम से मिलता हूँ। हेलो गाइस, मैं जस्ट अभी स्कूल से आया हूँ प्रैक्टिकल दे के। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गए, 2:40 हो रहे हैं, और मैं गया था 1 बजे घर से, तो मतलब मेरे को डेढ़ घंटे लगे ऑलमोस्ट। तो प्रैक्टिकल मेरा बिल्कुल सही गया, तो गाइस सारे प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एक ही दिन में निपटा दिया सारे प्रैक्टिकल। अब बस इंग्लिश का बचा हुआ है, अब मुझे बस इंग्लिश का ऐड करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सारा एग्ज़ाम ख़त्म। शायद संस्कृत का देना पड़ेगा, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी दे सकता हूँ अभी नहीं, 5 सब्जेक्ट ही हैं, इसे तो है नहीं। तो अब बस इंग्लिश का ऐड करना है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जहाज नहीं होगा कोई भी ऐड करने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। अब यार जैसे तैसे मैट का प्रैक्टिकल निपटा था, अब वापस से काम करना पड़ेगा।